किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होता है उसकी शादी। बात अगर शादी की हो रही हो तो दिमाग में सबसे पहले चीज स्ट्राइक करती है बैंड। बैंड अगर बढ़िया हो तो नाचने में बहुत ही मजा आता है। इसलिए आज हम आ गए हैं दिल्ली के टैगोर गार्डन में, जहां आपको एक दो नहीं बल्कि 50 बैंड वाले मिल जाएंगे। लेकिन इन बैंड वालों की जिंदगी भी तो कुछ होगी, आइए जानते हैं उन्हें की जुबान। मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। हम करीबन 12 साल की उम्र से बैंड बजा रहे हैं। मेरी उम्र इस टाइम 47 साल है। तो मैं कहूँ तो 35 साल से आप इस चीज़ में हैं। कितना कमा लेते हैं एक शादी का? सर ये तो हम कोई कमाते हैं, हमारा मालिक कमाते हैं। नहीं, आपको कितने पैसे मिलते हैं? हमें तो वो झाड़ी के हिसाब से मिलते हैं। लगभग कितना? 300 रुपये। आपने बताया कि किसी अनट्रेंड बंदे के 6000 रुपये होते हैं 30 दिनों के हिसाब से। अगर मैं ऑन एन एवरेज लगाऊं तो उसके 200 रुपये पर डे हुए। और आप जैसे आपने कहा कि आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंसड हैं तो आपको 7500 रुपये मिलते हैं, यानी अगर मैं पर डे के हिसाब से लगाऊं तो 250 रुपये ही हुए। तो वो 250 रुपये और 200 रुपये कितने घंटे काम करना पड़ता है? पता नहीं, रात को 1 बजे घुसेंगे, 12 बजे घुसेंगे, 2 बजे घुसेंगे। अटैक्शन समझो, जिस टाइम इन लोगों ने कह दिया उठो तो उठना ही है। अच्छा, खाना भी छोड़ देंगे हम लोग, ऐसे हो जाता पूरी पूरी रात काली हो जाती है। मिलते वही 300 रुपये। इतना सारा ड्रेसअप, इतना महाराजाओं वाला स्टाइल पहनते हैं और फिर भी एक तरीके से अमूमन 200 रुपये ही कमाते हैं। कुछ लगता नहीं कि तो मतलब पहन बने हुए तो हम राजा हैं लेकिन कमा बहुत कम रहे हैं? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर मजदूरी मिलती है। जो आप उठाते हैं ये इतना ये भारी होता है या कितना कितना वजन? 5 किलो के आसपास। अच्छा, ये बजाते बजाते गर्म होता है या फिर नॉर्मल रहता है? ये नॉर्मल भी नहीं होता ना, गर्म होता है ये। जैसे अब ठंडी चल रही है तो ये ठंडा रहेगा, गर्मी में गर्म हो जाता है। अच्छा, अगर जब गर्म होता है तो होठ पे लगाने पे गर्म नहीं लगता? बिल्कुल लगता है सर, होठ पे भी गर्म लगता है। इससे किडनी लीवर भी खराब हो जाते हैं, इससे इतनी ताकत लगानी पड़ती है सर। तो होठों पे जब कोई चीज़ गर्म लगती है तो होठ तो जलते होंगे? हाँ बिल्कुल, होठ जलते हैं, छाले पड़ जाते हैं, खून निकल जाते हैं, खाना भी नहीं खाया जाता 2-2 दिन, तो ऐसा हो जाता है कि बजाते हुए आंसू भी निकल जाते हैं, रोते भी हैं हम लोग। फेफड़े होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं इससे, टीबी हो जाती है बच्चों को, सांस की बीमारी हो जाती है, होठ ये सफ़ेद पड़ जाता है। ऐसा है, बहुत से लोगों ने पेशा बना रखा दारू का या सुल्फे का, वो दारू पी के और सुल्फा पी के हम सब बाजा जब भी बसता जब दारू और सुल्फा पीते हैं तो उन लोगों का असर भी पड़ता है, क्योंकि ये जान लेता पूरी फेफड़ों की। अच्छा, फेफड़ों की जान लेता है, तो ये आप समझें जब फेफड़े गर्म होंगे तो ये जान फेफड़ों की लेता है। अब इस पर हम दारू पियेंगे तो फेफड़े तो हमारे गलेंगे, गर्म फेफड़ों में हम दारू पी रहे हैं या सुल्फा पी रहे हैं तो हमारे फेफड़े गलेंगे, और हम कोई शोक नहीं कर रहे हैं। जैसे बाई चांस गर्मियों में बजाते बजाते खुश्की आ जाती है और हमें पानी की प्यास लगती है और कोई बर्फ़ का पानी दे दे हमें तो वो भी फौरन नुकसान दे जाएगा। अच्छा जी हाँ, अगर नल का पानी ताज़ी मिल जाए वो नुकसान नहीं देगा। अच्छा हाँ, मैंने देखा है शादियों में अक्सर जो है आप लोगों को काफ़ी लताड़ दिया जाता है, जो कई लोग होते हैं जो आपको धक्का दे देते हैं, चाटा मार देते हैं, कुछ कहते क्यों नहीं आप लोग? हम कैसे कहें, हम तो मजदूर आदमी कैसे कह सकते हैं, वो अमीर आदमी है, हम गरीब आदमी हैं। बदतमीजी से बात करते हैं, बहुत बदतमीजी पेश आते हैं, फिर हम लोग उनसे ये कहते हैं बैंड बंद करके कि आप लोग बाजा जितना चाहें इतना बजवा ले, बदतमीजी आप लोग नहीं करेंगे। जिस दिन ये बदतमीजी हमारे साथ हो गई या माँ बहन की हो गई हम फिर नहीं करेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि कई लोग चाटा खाकर चुप हो जाते हैं और अगले ही मिनट में थोड़ा सा उदास होते हैं, थोड़ा सा रोते हैं, लेकिन फिर दूसरे मिनट से वो दोबारा बजाना चालू कर देते हैं। चालू कर देते हैं क्योंकि उनके आगे मजबूरी है, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं लाते हैं वो लोग तो ये लोग उनका काटते हैं। ये सब्र कर लेते हैं अंदर से कि यार हम लोग क्या कर सकते हैं या क्या कह सकते हैं दूसरे से, हम तो कमज़ोर आदमी हैं, कैसे प्रॉब्लम उठाएं अपनी, इस तरीके से हम अपने दिल पे बर्दाश्त कर लेते हैं। साल भर में 3 से 4 महीने का ही शादी का सीज़न होता है। हाँ, बाकी टाइम क्या करते हैं? बाकी टाइम हम अपना काम करते हैं। जैसे कि हम हैंड पंप के मिस्त्री हैं। अच्छा, ये जो हैंड पंप होते हैं हाथ वाले चलाने वाले, इसका मिस्त्री हूँ। अभी के टाइम अपना मजदूरी करते हैं। अमूमन ये कस्टमर जो शादी में होते हैं उनकी डिमांड क्या आती है, कौन सा गाना बजाओ? वो जौन से भी उनको पसंद हो, जैसे कटीला हुआ, भांगड़े हुए, इन चीज़ों को पसंद करते हैं लोग कि भाई ये बजाओ, इस पर नाचेंगे हम। वो कहते हैं पल्लू लटका गोरी का तो वही बजाना पड़ेगा, तो लेडीज़ उस पर नाचती हैं।
तो देखा ना आपने कि क्या होती है बैंड वालों की लाइफ, कितना दर्द फील करना पड़ता है उन्हें, किडनी तक खराब हो जाती है, होंठ तक फट जाते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि बैंड बजाइए। अगर किसी को रुका हुआ देख लें तो आप उसे उसके साथ गलत हरकत करते हैं, उसे थप्पड़ तक मार देते हैं। ऐसा मत कीजिए, ये भी इंसान है, आपकी खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं।